या स्टार्ट करते हैं मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखे थे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा का क्या कंसेप्ट है वो समझते हैं। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। करना क्या होता है, सबसे पहले हम समझें, अगर कोई फंक्शन गिवन है सबसे पहले याद रखिएगा फंक्शन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल दोनों होना चाहिए। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगी तो हम मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अगर इंक्रीजिंग की बात करें तो सिंपल, इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग। एफ डैश एक्स, अब इसे हम वैसे मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो देन इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो डिक्रीजिंग। इसका मतलब क्या समझिए, जैसे वाई इक्वल टू में ई पावर एक्स का अगर आपसे बोलूँ कर्व बनाओ तो इसका कर्व ऐसा बनता है। ये मोनोटोनिक फंक्शन होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, क्योंकि जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ई पावर एक्स मिलता है जो कि ग्रेटर देन जीरो होता है। ऐसे ही वाई इक्वल टू अगर मैं बोलूँ लॉग एक्स, तो लॉग एक्स अगर आप कुछ ऐसा बनता है दिस इज ऑल्सो मोनोटोनिक फंक्शन। पर अगर मैं आपसे बोलूँ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो ध्यान दीजिएगा ये फंक्शन में एक टर्न आया। जब भी टर्न आएगा तो आप इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो देखिए क्या आता है, टू एक्स। इसका मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो भी होगा लेस देन जीरो भी होगा बट साथ में एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो भी होगा। तो जब एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो होता है, कंसेप्ट ऐसे बनाइए आप, जब भी एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो होगा तो फंक्शन एक टर्न लेगा और वो टर्न मैक्स या मिनिमा किसी का भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखें तो ये वैल्यू कम हो रही है और यहाँ पर वैल्यू बढ़ रही है, तो मिनिमम से ये मैक्सिमम पे जा रहा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा। तो डिपेंड ऑन कि कर्व किस ढंग से टर्न ले रहा है। तो यहाँ पर सारा कंसेप्ट इसी पे बेस्ड है, इसी में हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के भी कंसेप्ट समझें। बेसिक थ्योरी के बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर होगा टॉपिक। अगर हम देखें तो इस तरह का मान लीजिए ये टर्न मिले, अप टर्न हमेशा याद रखिएगा मैक्स को बताता है, डाउन टर्न हमेशा मिनिमा को बताता है। और जहाँ पर ये ठीक टर्न होता है यहाँ पर एफ डैश एक्स हमेशा याद रखिएगा जीरो होगा, इन सभी पॉइंट पर वो जीरो होगा। अब लोकल मैक्स लोकल मिनिमा का मतलब होता है जब कई बार ऐसा होता है, जैसे ये मिनिमा है, ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है, ये मैक्सिमा है, पर इस मैक्सिमा की वैल्यू इस मिनिमा से कम है, क्योंकि ये पर्टिकुलर इंटरवल में हम देखते हैं मैक्सिमा मिनिमा। तो लोकल मैक्स लोकल मिनिमा में कई बार लोकल मिनिमा की वैल्यू लोकल मैक्सिमा से ज़्यादा हो सकती है। और एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा का मतलब है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मतलब गिवन इंटरवल में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा, गिवन इंटरवल में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमा। इंक्रीजिंग में ग्राफ हमेशा याद रखिएगा अप पे जाता है ग्रेटर देन जीरो, डिक्रीजिंग में हमेशा लेस देन जीरो, इसीलिए टर्निंग पॉइंट पर ठीक एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो होता है। और सपोज एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो नहीं मिल रहा, इसका मतलब ग्राफ में कोई टर्न नहीं आ रहा, मीन्स मोनोटोनिक फंक्शन है, आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को हम फर्स्ट डेरिवेटिव से टेस्ट करते हैं, इवन मैक्सिमा मिनिमा भी हम फर्स्ट डेरिवेटिव से निकाल सकते हैं, जिस पॉइंट पर एफ डैश एक्स जीरो होता है उस पर्टिकुलर मान लो एक्स वन पे उसके लेफ्ट और राइट पर फंक्शन का नेचर देखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव का, मतलब एफ डैश एक्स वन माइनस एच एफ डैश एक्स वन प्लस एच। अगर पॉजिटिव टू निगेटिव है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलता है, निगेटिव टू पॉजिटिव है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलता है, पर इसमें हमेशा टाइम लगता है। तो हम नॉर्मली फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज नहीं करते बल्कि सेकंड डेरिवेटिव को करते हैं। और अकॉर्डिंग टू सेकंड डेरिवेटिव क्या कंसेप्ट होता है, फर्स्ट फाइंड एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, एफ डैश एक्स को जीरो से इक्वेट किया एंड फाइंड ऑल पॉसिबल रूट्स, जो जो रूट्स हो सकते हैं वो सब निकाल लो, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू एक्स एन। और ये रूट्स को हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करें, सपोज एक्स इक्वल टू एक्स वन पुट किया, अब ग्रेटर देन जीरो मिला मीन्स पॉइंट ऑफ मिनिमा, लेस देन जीरो मिले पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मतलब ये जो पॉइंट है वो पॉइंट मिनिमा का है, ये पॉइंट मैक्सिमा का, और ठीक इक्वल टू जीरो मिले तो हम बोलते हैं टेस्ट फेल हो गया। तो इस केस में हम आइदर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यूज़ करते हैं या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव के लेफ्ट और राइट से हम इसको पता कर लेते हैं कि फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। ये एक सिंपल सा तरीका है। क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस आप एग्जाम में बिल्कुल इजीली कर भी पाएंगे। अभी क्वेश्चंस के साथ आपको कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे इसमें। यस 2002 का देखिए क्वेश्चन, देखते हैं क्या क्वेश्चन है।
क्वेश्चन, इफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स क्यूब माइनस नाइन ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व ए स्क्वायर एक्स प्लस वन, वेयर ए ग्रेटर देन जीरो अटेन इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम एट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली सच दैट पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू दैट द वैल्यू ऑफ ए। बिल्कुल सिंपल है, एफ एक्स ये दिया हुआ है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा मिल जाएंगे प्लस वन। मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आ गया, देखिए सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एटीन ए एक्स प्लस ट्वेल्व ए स्क्वायर। फॉर मैक्स मिनिमा एफ डैश एक्स को हमेशा जीरो से इक्वेट करें तो जीरो से इक्वेट करेंगे, सिक्स से कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ए एक्स प्लस टू ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। फैक्टर बना दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स माइनस ए एक्स प्लस टू ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन तो एक्स माइनस टू ए, माइनस ए कॉमन तो एक्स माइनस टू ए। इसका मतलब एक्स की एक वैल्यू आ गई टू ए और एक्स की एक वैल्यू आ गई ए, राइट। अब इसमें से किसी एक पॉइंट पे मैक्स और किसी एक पॉइंट पे मिनिमा होगा, किस पे मैक्स किस पे मिनिमा होगा ये पता करना है। तो सिंपल मैंने आपको बताया सेकंड डेरिवेटिव से ही कंक्लूजन दें तो अच्छा रहेगा। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव मैं निकालूं तो वो हुआ 12x माइनस 18a, 12x माइनस 18a। सपोज मैं a पुट करूं, a पुट किया तो 12a माइनस 18a मीन्स माइनस ऑफ 6 है। ये गिवन है a ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ओवरऑल लेस देन 0। तो x इक्वल टू a पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हुआ, अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तो x इक्वल टू 2a पॉइंट ऑफ मिनिमा हुआ। अब मैक्सिमा किस पे बोला, इसका मतलब p की वैल्यू a है और q की वैल्यू 2a है, राइट। और कंडीशन गिवन है पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू, तो p की जगह मैंने रखा a इक्वल टू 2a, ए स्क्वायर इक्वल टू 2a, a कॉमन लिया तो a माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब a जीरो हो नहीं सकता तो इसका मतलब a की वैल्यू हुई 2, तो करेक्ट आंसर इज 2, नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2003 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल लर्न कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसका कंसेप्ट भी बताता हूँ और इसमें बहुत मिस्टेक होती है। द रियल नंबर एक्स व्हेन एडेड टू इट्स इनवर्स गिव द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम एट एक्स इक्वल टू, मीन्स एक फंक्शन है एक्स और इसका इनवर्स मीन्स 1/x, इसका मैक्सिमा मिनिमा पूछा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है। सबसे पहले समझिए एक्स प्लस 1/x में एक्स जीरो नहीं हो सकता, नहीं तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। मीन्स लॉजिकली हम देखें तो ये टू डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हो गए। मतलब एक बार हमें कंडीशन लॉजिकली लेना चाहिए एक्स ग्रेटर देन जीरो की, और एक बार हमें लॉजिकली कंडीशन लेना चाहिए लेस देन जीरो की। करते हैं हम कंबाइंड ही, मैं केवल समझाना चाहता हूँ। अब जैसे सपोज मैं इसमें वन रख दूँ, अगर मैं वन रख दूँ, पहले समझाता हूँ फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ये आया टू, और अगर मैं इसमें माइनस वन रख दूँ तो ये आया माइनस टू। अब टू आने के बाद समझिएगा, ये टू देख के ऐसा लगता है मैक्सिमम वैल्यू है, माइनस टू ऐसा लगता है मिनिमम वैल्यू है, और यही मिस्टेक होती है। ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है बल्कि ये मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है। क्यों समझिए, जब क्योंकि ये ग्रेटर देन जीरो के बाद देख रहे हैं, तो ग्रेटर देन जीरो के बाद अगर हम x की कोई भी वैल्यू रखें, जैसे आपने 2 रखा तो 2 प्लस समथिंग ग्रेटर देन 2, 3 रखा 3 प्लस समथिंग, देखिए आपने 2 रखा 2 प्लस 1/2, 3 रखा 3 प्लस 1/3, आपने सोचा छोटी वैल्यू रख लो, 0.1 रखा तो 0.1, तो ये 10.1, यानी वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 मिनिमम हुआ, और यहाँ पर जाइए ये क्यों मैक्सिमम है, आप नेगेटिव की कोई भी वैल्यू दिमाग में लाइए, आपने रखा -3 और छोटा हो गया, आपने -5 और छोटा हो गया, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का फंडा या कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिए, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होती है एट एक्स इक्वल टू 1, मैक्सिमम वैल्यू, अभी मैं मेथड से ही बताता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू -2 एट एक्स इक्वल टू -1। तो अब जैसे इसमें मिनिमम पूछा है तो मिनिमम किस पर होगी, एक्स इक्वल टू 1 पे, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो बी बॉम्बे होगा। आप इसको करेंगे कैसे वो भी बताता हूँ मेथड के साथ, और क्यों ये मिनिमम मैक्सिमम है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसको मेथड से करूँ तो क्या करता, ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन करता, और डिफरेंशिएशन करने के बाद मुझे मिलता 1 - 1/x² मीन्स x² - 1/x², जब जीरो से इक्वेट करता तो मुझे x की वैल्यू ±1 मिलती है, x जीरो नहीं है। याद रखिएगा कभी भी मैं आपको पूरे मैक्सिमम मिनिमम में ये बोलता हूँ कि जो रूट्स मिलते हैं उस पर वैल्यू निकाल के देख लो, जो सबसे बड़ी है वो मैक्सिमम, जो सबसे छोटी है वो मिनिमम। बट यहाँ पर नहीं बोलूँगा क्योंकि -1 से +1 के बीच में फंक्शन ब्रेक हो गया x इक्वल टू 0 पे, इसका मतलब
इसका नेचर अलग अलग है। तो कभी भी अगर रूट्स के बीच में कोई ऐसा वैल्यू आ रहा है जो कि इंटरवल को ब्रेक कर रहा हो, तो आप सेकंड डेरिवेटिव से कंक्लूजन देना या लॉजिक से, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसका मतलब मुझे इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना चाहिए जो होगा 2/x³। अब देखिए, जब आप -1 पुट करेंगे तो ये निगेटिव मिलेगा। निगेटिव का मतलब ही क्या होता है? निगेटिव का मतलब होता है मैक्सिमा। जब आप +1 पुट करेंगे तो ये मिलेगा मिनिमा, राइट? तो अगर फंक्शन ब्रेक नहीं हो, मान लो मैं ऐसी 2, 3, 4 कोई ब्रेक नहीं हो रहा, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू वो मैक्सिमम, जो सबसे छोटी मिनिमम। बट फंक्शन ब्रेक हो तो यहाँ पर आपको केयरफुल होना पड़ेगा, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो मिनिमम वैल्यू इसकी होती है x=1 पर, मैक्सिमम वैल्यू होती है -1 पर, मिनिमम वैल्यू होती है 2, मैक्सिमम वैल्यू होती है -2। नोट डाउन। क्वेश्चन में पूछा है मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम एट एक्स, मतलब आपको बताना है किस पर्टिकुलर एक्स पर मिनिमम वैल्यू होगी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2005 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स x²a² + y²b² = 1। वैसे याद रखिएगा, कभी भी कुछ एक आप कंसेप्ट ही बना लो। जैसे मैं अगर आपसे बोलूँ रेक्टेंगल और स्क्वायर में किसका एरिया ज़्यादा होगा सेम पेरीमीटर में, जैसे ये 10 और 10 की पेरीमीटर, 10 की ले लो, इसका एरिया होगा 100, पेरीमीटर कितनी है 40। ऐसे ही हम ले लेते हैं 12, 24, 8, 8, राइट? अगर मैं इसका एरिया देखूँ तो कितना होगा 96। इसका मतलब सेम पेरीमीटर में सबसे ज़्यादा एरिया हमेशा स्क्वायर का होता है, वैसे ही सेम पेरीमीटर में सबसे ज़्यादा एरिया इक्विलेटर ट्रायंगल का होता है। ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, इसको मेथड से तो हम कर ही लेंगे, मेथड से बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, पर कुछ बेसिक कंसेप्ट से आपका टाइम एग्जाम में जरूर सेव होगा। अब जैसे इलिप्स की बात कर रहे हैं, अब इस इलिप्स के अंदर एक रेक्टेंगल है, सपोज ये एक रेक्टेंगल है, राइट? अब इस रेक्टेंगल का एरिया कब जब से ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली जब जब ये स्क्वायर बन जाए। अगर मैं इसके आपसे बोलूँ कोऑर्डिनेट लिखो, तो आप बोलोगे ए कॉस थीटा, बी साइन थीटा। हमेशा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ले लो, सबसे ईजी होता है। ए कॉस थीटा -b sin θ, एक -a cos θ -b sin θ -a cos θ एंड b sin θ। अगर मैं इसकी लेंथ देखूं तो 2a cos θ है, राइट? इनके बीच का अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो क्या हो जाएगा, ये सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, तो 2a cos θ। और अगर इसकी लेंथ निकालूं तो 2b sin θ। तो इसका मतलब अगर मैं एरिया आपसे बोलूँ तो आप बोलोगे 2a sin θ × 2a cos θ, इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 2ab sin 2θ। आप मैक्सिमम एरिया के लिए बिना डिफ्रेंशिएशन के कर सकते हो। मैक्सिमम एरिया बोला है तो sin 2θ को मैक्सिमम होना चाहिए। अब sin 2θ मैक्सिमम कब होगा, मतलब 1 पर, तो उस समय ग्रेटेस्ट एरिया क्या आएगा 2ab। तो आंसर हुआ 2ab। आप इसे डिफ्रेंशिएट तो कर ही सकते थे, एक्चुअल में इसी के बाद इसको डिफरेंशिएट करना था। अगर डिफरेंशिएट करते तो आप लिखते da/dθ = 4ab cos 2θ, और इसको 0 से इक्वेट करके हम रूट्स निकालते, तो cos 2 थीटा कब 0 होता वो आपको देखना रहेगा, राइट? पर इसकी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी इसका आंसर बता सकते हैं। नोट डाउन। भाई cos 2 थीटा को 0 से इक्वेट करते तो 2θ = π/2, तो θ = π/4। अब ये पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट पे लॉजिकली तो हमें सेकंड डेरिवेटिव भी चेक करना चाहिए कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि नहीं। तो देखो करें हम, तो d2a/dθ² देख के समझ में आ रहा है 8ab sin 2θ, और ये माइनस आ गया, तो इसका मतलब लेस देन 0 आ रहा है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अब π/4 यहाँ रखो, तो π/4 × 2 तो π/2, sin π/2 1, तो 2ab। पर इतना सब जब करना, जब ये आप याद रखना, डिफरेंशिएशन या सेकंड डेरिवेटिव, कई बार फर्स्ट डेरिवेटिव से आप आंसर दे देते हो, कभी कभी सेकंड की जरूरत पड़ती है। जब जरूरत पड़े जब ही करिए, अगर फर्स्ट की भी जरूरत नहीं है तो मत करिए, अवॉइड करिए। जितना टाइम सेव करेंगे, जितनी स्टेप कम लिखेंगे, क्वेश्चन आपका जल्दी सॉल्व होगा। नोट करिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2005 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? अ फंक्शन इज मेस्ड बिलो अगेंस्ट एन इंटरवल वेयर इट इज सपोज टू बी इंक्रीजिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मेस्ड। ये सारे फंक्शन आपको दिए हैं कि देखना है कि इसमें कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं है, मतलब मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन से ही करना है। पहला ऑप्शन है कि ये इंक्रीजिंग है -∞ to +∞। अब याद रखिएगा, इसमें नॉट करेक्ट पूछा है
इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन में बहुत केयरफुल रहना चाहिए, जरा सी मिस्टेक से आप क्या होगा, जैसे सपोज मैं ऑप्शन ए देखूं, तो ऑप्शन ए है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री, अगर मैं आपसे बोलूं डिफरेंशिएट करो तो आप बोलते हैं थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री, थ्री कॉमन ले लूं तो ये एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा इन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यानी ये करेक्ट है, ये करेक्ट है पर आंसर नहीं, मतलब ये सही है इसका, ये इंक्रीजिंग इसी इंटरवल में होगा पर ये आंसर करेक्ट नहीं क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछा है। ऐसे अगर हम बी पे जाएं तो बी को हम डिफरेंशिएट करें, क्या है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ऑफ 12x प्लस 6, अगर मैं आपसे बोलूं इसको डिफरेंशिएट करो तो आप बोलते हैं 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12, राइट। अगर मैं इसमें आपसे बोलूं 6 कॉमन ले लो तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 फैक्टर बनाएंगे तो x माइनस 2 इंटू x प्लस 1, अगर हम देखें तो ये आया माइनस 1, ये आया 2 प्लस माइनस प्लस, तो ये इंक्रीजिंग कहाँ से होगा, 2 से इन्फिनिटी में भी इंक्रीजिंग है और माइनस इन वन से माइनस इन्फिनिटी में भी, तो मीन्स दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये सही इंटरवल है, तो ये आंसर ना लगा दें इनकरेक्ट पूछा। अब थर्ड पर आए एफ डैश एक्स डायरेक्टली करते हैं 6x माइनस 2, राइट। अब इसको जब हम जीरो से इक्वेट करेंगे तो मिलेगा 1/3, तो 1/3 ब्रेकिंग पॉइंट हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये इंक्रीजिंग है 1/3 से इन्फिनिटी में, बट ये उल्टा स्केल दिया इसका मतलब ये इनकरेक्ट है, तो ये आंसर करेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट है इसलिए आंसर करेक्ट होगा, तो आप करेक्ट मत लगा देना, ये मिस्टेक इसका ध्यान रखना, ये मैच दिए हुए कौन सा इंटरवल इनकरेक्ट दिया हुआ, तो सी इज राइट ऑप्शन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 2006 का क्वेश्चन है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाय टू प्लस टू बाय एक्स हैज अ लोकल मिनिमम, देखिए ये फिर वही है, बस टू लिख दिया, टू से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप समझिए यहाँ पर अगेन ये बात हमें दिमाग में रखनी है, दी नहीं होती, इसका मतलब टू डिफरेंट फंक्शन है, ग्रेटर देन जीरो पर लेस देन जीरो पर, अब मिनिमम पूछा है तो अगर हम टू रख दें देखिए तो क्या होगा, टू बाय टू वन प्लस वन, यही इसकी मिनिमम वैल्यू है, तो किस पर हुई, एट एक्स इक्वल टू टू पर, मेथड से भी निकाल लोगे आप, और अगर मैं मैक्सिमम बोलूं तो वो माइनस टू पर होगी क्योंकि उस समय माइनस मिलेगी, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है एट एक्स इक्वल टू माइनस टू, राइट। ये क्वेश्चन में ध्यान रखिए, यहाँ पे अगर मैं थ्री कर दूं तो थ्री हो जाएगा, फोर कर दूं तो फोर, वन कर दूं तो वन, मतलब आप ऐसा दिमाग में रखिए एफ एक्स इक्वल टू, बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूँ, ए बाय एक्स प्लस एक्स बाय ए, इसका हमेशा याद रखिए मिनिमम जो होगा एट एक्स इक्वल टू ए होगा, और जब भी कभी मैक्सिमम बोलें तो एक्स इक्वल टू माइनस ए होगा, ये आप बिल्कुल कंसेप्ट बना लो, आपसे मिस्टेक ही नहीं होगी, बहुत ही स्टैंडर्ड कॉमन क्वेश्चन है, और इसका रीजन भी मैंने बताया क्योंकि ये बीच में एक जगह ब्रेक होता है इसलिए इस तरह से हमें देखना पड़ता है, आप इसे डिफरेंशिएशन से तो बहुत जल्दी निकाल ही लेंगे, क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 2/x2, ये देखिए एफ डैश एक्स आपने इसका एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4/x2, जीरो से इक्वेट किया तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2, एक्चुअल में सेकेंड डेरिवेटिव अब टेस्ट करेंगे सब टाइम बच जाएगा आपका, वो आया 4/x3, अब आपने प्लस 2 रखा तो ग्रेटर देन 0 मिला, माइनस 2 रखा तो लेस देन 0, इसका मतलब जब आपने प्लस 2 रखा तो ग्रेटर देन 0 मिला, मीन्स मिनिमम मिला, और माइनस 2 रखा तो मैक्सिमम मिला, तो अभी आपसे मिनिमम बोला है तो मिनिमम किस पर आया, x इक्वल टू 2 पर, नोट डाउन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 2006 का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, अ ट्राइंगल पार्क, एक ट्राइंगल पार्क है जो इनक्लोज ऑन टू साइड बाय अ फेंस एंड ऑन द थर्ड साइड बाय अ स्ट्रेट रिवर, ठीक है, द टू साइड हैविंग फेंस आर ऑफ सेम लेंथ एक्स, द मैक्सिमम एरिया इंक्लोज बाय द पार्क, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए सपोज यहां पर एक रिवर है और आपने इसको टू साइड से फेंसिंग कर दी, ये फेंसिंग करी और ये गिवन है कि दोनों तरफ की लेंथ सेम है, सपोज ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तो मैक्सिमम एरिया कब होगा, मान लीजिए इन दोनों के बीच का एरिया है थीटा, अब आपने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में पढ़ा है ए बी सी, सपोज ये एंगल ए है, ये लेंथ ये है ए साइड, ये बी साइड, ये सी साइड, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बी सी, बी सी साइन है, जो भी साइड का एंगल लेते हैं उसकी अपोजिट साइड, राइट, उसके साथ की साइड, तो यहाँ पर अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखूँ तो हाफ एक्स इंटू साइन थीटा हो जाएगा, अब बिना डिफ्रेंशिएशन के बता सकते हैं मैक्सिमम एरिया कब होगा, जब साइन मैक्सिमम होगा
साइन थीटा मैक्स, अब साइन थीटा मैक्स कब होगा, साइन थीटा मैक्स होता है 1, तो आपका आंसर हो गया 1/2 x2, ये विदाउट डिफरेंशिएशन जो मैंने आपको बताया था। डिफरेंशिएशन करने का पर्पज़ होता है हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा निकालना, और सेकंड डिफरेंशिएशन का पर्पज़ होता है उन पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्स या मिनिमा किस पर है ये पता लगाना, पर वो बिना उसके हो सकता तो मैं बोलूँगा बिल्कुल वैसे ही करिए। तो इसका आंसर हुआ 1/2 x2। अब आप सपोज इसको डिफरेंशिएट करते भी तो थीटा के रिस्पेक्ट में करते तो आप लिखते 1/2 x2 cos θ। अब जीरो से इक्वेट करते तो कॉस थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा π/2 होता है। सेकेंड डेरीवेटिव पर टेस्ट करते कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या नहीं है, उसके बाद आप आंसर निकालते हो। तो दिख रहा है इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, π/2 रख दो तो 1/2 x2। नोट डाउन, एक बार फिर समझ लो, ये एक रिवर है सपोज और ट्राइंगल पार्क है, आपने इसको क्लोज करना है, मैक्सिमम एरिया कब मिल सकता है, ये दोनों साइड की लेंथ x x दिए तो ये एंगल थीटा हो गया। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आता है 1/2 sin θ × sides, तो x इंटू एक्स, तो वो आ गया 1/2 x2 sin θ। अब मैक्स होने के लिए साइन का मैक्स होना जरूरी है, तो साइन मैक्स कब होता है, π/2 पे, तो आंसर आ गया हमारा 1/2 x2।